अस्सलाम वालेकुम, पकवान टाइम में आप सबका वेलकम है। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा बहुत ही आसान तरीके से, वो भी पिज़्ज़ा हट जैसा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर कीजिए। गैस पर पैन रखेंगे। ये 500 ग्राम चिकन है, छोटे छोटे पीसेस किए हुए। हमको पिज़्ज़ा के लिए ऐसे ही पीसेस चाहिए। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, एक टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ चिकन सॉटे करने के लिए होना है हमको। ये टमाटर है बारीक कटे हुए, बीज निकले हुए, बेल पेपर है बारीक करे हुए, प्याज है छोटी बारीक करे हुए, ग्रीन बेल पेपर है बारीक बारीक पीसेस करे हुए, थोड़ी सी प्याज डालेंगे, सॉटे करेंगे। हल्दी है हाफ टेबल स्पून, वो भी डाल देंगे। चिकन है डाल देंगे, चिकन को सॉफ्ट करेंगे अच्छा, क्योंकि उसका चिकन का कच्चापन चले जाए। देखिए अच्छा मिक्स हो रहा है। एक टीस्पून नमक डालेंगे, दो टीस्पून मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है ये, एक टेबलस्पून। कलर के लिए डालेंगे, ये फीकी नहीं होती बिल्कुल, सिर्फ लाल कलर आता अच्छा। काली मिर्च डालेंगे हाफ टी स्पून। सबको अच्छा मिक्स कर लेंगे। चिकन में चिकन मसाला है ये, एक टेबलस्पून डालेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता, आप लोग भी ट्राई कीजिए, ज़रूर पसंद आएगा आप लोग को भी। देखिए कितना अच्छा चिकन हो गया है। अब गलने के लिए एक हाफ कप पानी डालेंगे। अब लीड ढाँप कर एक 5 मिनट रखेंगे ताकि पानी सूख जाए। देखिए पानी सूख गया है अच्छा, चिकन भी अच्छा फ्राई हो गया है। थोड़ा सा ऑयल डालकर हाफ टेबलस्पून, थोड़ा नमक कम लगा मुझे, मैं डाली, आप लोग भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया है चिकन, गल भी गया है अच्छा। बस हमको ऐसा ही चाहिए पिज़्ज़ा के लिए। ये पिज़्ज़ा डो है मेरा, बहुत अच्छा बना हुआ है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर भी है, आप लोग ज़रूर देखिए। देखिए बड़े बड़े इसके पेड़े बना लेंगे। एक मोटी सी रोटी के ऐसा बेल लेंगे, ना पतला ना मोटा, बिल्कुल बेस जैसा बेलेंगे। थोड़ी सी खुश्की लगा कर बेलना। बस हमको इतनी ही चाहिए, देखिए थिकनेस, बहुत मोटी भी नहीं रहना, बहुत पतली भी नहीं रहना। मैं ट्रे को एक बटर लगा कर रख ली थी मैं, उस पर ये पिज़्ज़ा बेस डाल देंगे। फोक से होल मारेंगे क्योंकि एयर निकल जाए। ये टमाटर सॉस है, मैं टमाटर सॉस लगा रही हूँ। आप पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं, केचप भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगाइए, वही टेस्ट आता। मेरे पास टमाटर सॉस था, वही लगा दी मैं। मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ मैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता। चिकन आप जितना है अपने हिसाब से डालिए, कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी। फिर मोज़रेला चीज़ डालिए, टमाटर जो है बीज निकले हुए है देखिए बिल्कुल सूखे, वैसे पीसेस करे हुए, वो वैसा रख करिए। ग्रीन बेल पेपर रखिए। मैं लंबे लंबे पीसेस करी, आप छोटे छोटे बारीक बारीक भी कर सकते हैं, जैसा भी चाहे कर सकते हैं। प्याज भी डाल दीजिए, प्याज भी लंबी लंबी कट कर सकते हैं। देखिए फिर चीज़ डालेंगे, पिज़्ज़ा चीज़ से ही अच्छा लगता। चिली फ्लेक्स है, थोड़े से डालेंगे, आप अपने हिसाब से डालिए, कम ज़्यादा। ऑर्गेनो डालेंगे, ऑर्गेनो से बहुत अच्छा टेस्ट आता, ज़रूर यूज़ करिए आप। फिर केचप डाल देंगे ऊपर से थोड़ा। देखिए कितना अच्छा खुशनुमा नज़र आ रहा है, बिल्कुल पिज़्ज़ा हट जैसा, बल्कि उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। ओवन में आधे घंटे पे प्री हीट पे रख ली थी गरम करके, अब उसमें रख देंगे। 15 मिनट के बाद चेक करेंगे हो गया क्या, फिर यानी तो फिर और 5 मिनट के लिए रखेंगे। चलिए अब हमारा पिज़्ज़ा कितना अच्छा तैयार है, रेडी। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।